हेलो स्टूडेंट्स, उससे आगे ही जैसा कि हमने सिलेबस स्टार्ट कर रखा है, हम एक टॉपिक और लेकर के आए हैं आज फिर आपके लिए। इसके अंदर हम बहुत ही कॉमन सी बात करने वाले हैं वैसे तो, और बहुत ही छोटी सी एक वीडियो होने वाली है ये, बट आपके लिए यूजफुल बहुत होने वाली है। आपको जैसे मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्राफ्स टाइप में हमने ड्रा कर रखे हैं। इन ग्राफ्स को ही समझना है आपने कि ये कैसे आते हैं, किस तरीके से हमने ड्रा किए हैं, और किस सिचुएशन के अंदर कौन सा ग्राफ हमें काम आता है। तो वो ग्राफ्स के बारे में आज हम करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पहले हम करते हैं, उसके बाद में हम पोजीशन टाइम के लिए भी हम ग्राफ्स करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है हमने वो ड्रा किया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन और दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिएगा, ये टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन है। तो वेलोसिटी और टाइम के अंदर जब चेंज होता है तो क्या आता है आपका एक्सेलरेशन। देखो यहां पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है बट टाइम चेंज हो रहा है, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो। तो उस केस के अंदर हमारा ग्राफ फर्स्ट वाले जैसा आ जाएगा। तो ये आएगा जीरो एक्सेलरेशन के केस में। सेकंड हमारे पास में व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां पे क्या है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखिएगा कि तब जितनी वेलोसिटी देखो बढ़ रही है उतना ही टाइम बढ़ रहा है, तो एक समान हो गया ना। तो इस टाइप के केस के अंदर जो ग्राफ आता है वो सेकंड जैसा आता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहां पे था पहले और फिर क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हो गया। इसकी तरह से कॉन्स्टेंट चेंज होती जा रही है वेलोसिटी। देखो इसके बाद में तो जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है उतना ही टाइम बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गई, जब इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी हो तब उस केस में, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी तो इस केस में यहाँ से स्टार्ट किया हमने ग्राफ को। नेक्स्ट है आपके पास में व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन, देखो टाइम इतना नहीं बढ़ रहा है बट वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ रही है। देखो 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 टाइम कम बढ़ रहा है, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी ना, ऊपर वाला फैक्टर होगा ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऊपर वाला फैक्टर इसी कारण क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तब आपके पास में डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, देखो नेगेटिव कब होगी, तब टाइम ज्यादा हो वेलोसिटी कम हो, देखो टाइम बढ़ गया ना वेलोसिटी कम हो गई, तो इस केस के अंदर आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और तब आपके पास में स्टार्ट ही जो है नेगेटिव से हो रही हो तब। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहां पे नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है और नेगेटिव में ही जा रही है, तब उस केस के अंदर हमारा इस टाइप का ग्राफ आएगा। और तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पहले इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो और फिर नेगेटिव के अंदर जाए, तो उस टाइप में ऐसा आपका ग्राफ आ जाएगा। तो ये है कुछ ग्राफ आपके जो हमने ड्रा किए हैं। नेक्स्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ करेंगे हम नेक्स्ट जो है। पोजीशन टाइम ग्राफ देखिएगा, इसके अंदर भी तीन ही कंडीशन आएंगी, तीन टाइप के ग्राफ हम बना लेते हैं, पहले ही ग्राफ बना लेते हैं यहां पे। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हम लेंगे, पोजीशन टाइम देखो, पोजीशन और टाइम, पोजीशन चेंज हो रही है और टाइम चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से क्या एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देखो अगर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ हो जाएगा,
और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ हो जाएगा, और कांस्टेंट के लिए ये ग्राफ हो जाएगा। तीन ग्राफ हमने ड्रा किए हैं कि तब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा है। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप देखते रहिएगा, टाइम कम इंक्रीज हो रहा है, पोजीशन ज़्यादा मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसकी पोजीशन ज़्यादा हो रही है तो इसी कारण क्या होगा, वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी इस केस के अंदर एक्सेलरेशन की। अब यहाँ पे देखिएगा टाइम ज़्यादा बट पोजीशन कम, तो उल्टा हो गया आपस में, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम करेगा ग्राफ। नेगेटिव एक्सेलरेशन केस में इस टाइप का ग्राफ आएगा, तब उसके पास में कोई ना कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट पोजीशन है, या फिर जो है कोई ना कोई पोजीशन है पहले ही, कि मान ले यहाँ एक्स नॉट पोजीशन पे है पहले ही, और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल पोजिशन बदल रहा है इक्वल टाइम के अंदर, तो उस केस में ग्राफ हमारा ऐसा आ जाएगा जिसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस का ग्राफ बोलेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट या फिर जीरो एक्सेलरेशन के साथ में जो मूव कर रहा है, उस केस के अंदर हमारा ग्राफ आता है इस टाइप का। तो ये थी आप लोगों को छोटी ही जानकारी ग्राफ्स के बारे में, कि पोजिशन टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किस टाइप से बनते हैं, तब ऑब्जेक्ट को भी वो पॉजिटिवली अगर एक्सेलरेट हो रहा है या नेगेटिवली एक्सेलरेट हो रहा है, या फिर उसने स्टार्ट पॉजिटिव से किया है और नेगेटिव के अंदर अगर वो एंड कर रहा है, या स्टार्ट ही उसने नेगेटिव से किया है और पॉजिटिव के अंदर एंड हो रहा है, या फिर नेगेटिव के अंदर ही एंड हो रहा है, तो उस टाइप में किस टाइप के हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये आप लोगों के लिए छोटी ही वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर पसंद आई है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।